दोस्तों एशिया कप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से हुए बाहर। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। दोस्तों यदि आप भी रविंद्र जडेजा को एक ऑलराउंडर बैट्समैन मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। रविंद्र जडेजा दाएं घुटने में चोट के चलते एशिया कप 2022 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ले से शानदार खेल दिखाते हुए 35 रन की पारी खेली थी। वहीं हांगकांग के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। जडेजा की जगह टीम में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने कहा, अखिल भारतीय चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रविंद्र जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल का नाम नामित किया था। वहीं रविंद्र जडेजा फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है।